जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी चर्चा चल रही है त्रिक भावों को लेकर। मैंने पिछले दिनों आपको कुंभ लग्न तक इसकी जानकारी दी। ये कोशिश रही मेरी कि आपको बता पाऊँ कि त्रिक भावों के स्वामी हर जगह हमेशा खराब नहीं होते या शुभ नहीं होते। त्रिक भाव खराब हो सकते हैं, वहाँ गया हुआ ग्रह अशुभता के प्रभाव दे सकता है। अगर वो ग्रह विपरीत राजयोगी स्थिति में ना आए तो सदैव आपको दिक्कत परेशानियाँ देता ही मिलेगा। 6, 8, 12 में पड़ा हुआ ग्रह बहुत कम कंडीशन में अच्छे फल देने में सक्षम होता है। कल तक हमने कुंभ लग्न की कुंडली की बात की थी, आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं मीन लग्न की कुंडली। मीन लग्न की ये इसलिए बनी क्योंकि लग्न में ही 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर मीन राशि मानी जाती है जिसके स्वामी बृहस्पति देवता माने जाते हैं। बृहस्पति देवता हमारे देवगुरु की पदवी प्राप्त लेकर के बैठे हैं। देवगुरु हमारी कुंडली में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल कहीं ना कहीं वो प्ले करते हैं। आप ये समझ लीजिए प्रिय दर्शकों, ऐसा लघु पराशर में भी लिखा जाता है, बृहत पराशर होरा शास्त्र में भी माना जाता है कि जिस भी जातक का बृहस्पति ठीक हो उसे बहुत ज़्यादा एडवांटेज के रिजल्ट कहीं ना कहीं मिलते हैं। क्योंकि हम अपने जीवन यापन में जो भी चीज़ चाहते हैं वो कहीं ना कहीं बृहस्पति देवता की कारक वस्तु होती है। चाहे हम परिवार चाहें, धन चाहें, संतान चाहें, लाभ चाहें, मान यश चाहें, भाग्य चाहें, बड़े भाई बहन की सपोर्ट, पिता की सपोर्ट चाहें, बुद्धि ज्ञान चाहें, सही रियल हैप्पीनेस यानी सही मायने में खुशी चाहें, तो इन सब चीज़ों का डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं बृहस्पति देवता के पास ही होता है। तो बृहस्पति देवता ने डिपार्टमेंट्स बांटते हुए सूर्य देव को क्या दिया, बृहस्पति देवता ने सूर्य देव को छठे भाव का स्वामी बनाया। अब आप ये भली भांति जान चुके हैं छठा भाव रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन, हाउस ऑफ जॉब का माना जाता है। तो छठे भाव का स्वामी सूर्य देव को बनाया। इस लग्न कुंडली में सूर्य देव को रोगेश भी कहा जाता है, यानी रोग भाव के स्वामी। जहाँ भी सूर्यदेव बैठेंगे, जहाँ जाएंगे, जहाँ देखेंगे, उस घर का वो सदैव नुकसान ही करेंगे। क्योंकि मीन लग्न की कुंडली में सूरज देवता अति मारक ग्रह माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि इसे छष्टेश होने का दोष नहीं लगता, पर ये बात पूर्णतः शास्त्र सम्मत नहीं है। इसे षष्टेश होने का दोष अवश्य लगता है। जिसकी भी दशा अंतरदशा सूर्यदेव की चलती है उस सदैव आपको प्रॉब्लम्स देती ही मिलेगी। सूर्य देवता जहाँ बैठेंगे, जहाँ देखेंगे, जहाँ जाएंगे, उस घर का नुकसान करते मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है। मान लीजिए सूर्य देवता दूसरे भाव में पड़े हों तो यहाँ कह दिया जाता है जी आपकी कुंडली तो बहुत अच्छी है, आपका तो सूर्य ही उच्च का बैठा है। लेकिन वो ये देखना भूल जाते हैं कि सूरज के पास डिपार्टमेंट कौन सा है, यानी वो किस भाव का स्वामी है। जातक के लिए उसने रोग उच्च का किया है, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, लिटिगेशन उच्च का किया है। तो यहाँ पर सूरज देवता केवल 6, 8, 12 में आकर के विपरीत राजयोग की स्थिति में अच्छा फल देंगे। वहाँ 8 में भी वो नीच के हो जाते हैं, यहाँ अच्छा फल नहीं देंगे। तो 6 और 12 भाव में विपरीत राजयोग की स्थिति में अच्छा फल दे सकते हैं, अन्यथा वो किसी भी भाव में कुंडली में अपनी दशा अंतरदशा में हर जातक को कष्ट देते ही मिलेंगे। क्योंकि वो षष्टेश हैं, वो त्रिक भाव के स्वामी हैं और मारक ग्रह बन जाते हैं हर मीन लग्न वाले जातक के लिए। दर्शकों, आगे बात करते हैं अष्टमेश की, यानी 8 भाव का स्वामी। मीन लग्न की कुंडली में 8 भाव का स्वामी बने शुक्राचार्य दानव गुरु। दानव गुरु को 8 भाव मिला। 8 भाव मृत्यु, ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, डिप्रेशन, हाउस ऑफ परमानेंट लॉस। और साथ साथ में शुक्राचार्य को दिया तीसरा भाव। तीसरा भाव आप सभी जानते हैं
तीसरा भाव हमारी मेहनत का, हमारे बाहुबल का, तीसरा भाव हमारे पराक्रम का, छोटी मोटी यात्राओं का, छोटे भाई बहन का माना जाता है। तो मीन लगन की कुंडली में तृतीयेश भी शुक्राचार्य बने और अष्टमेश भी शुक्राचार्य बने, यानी तीसरे भाव के स्वामी शुक्रदेव बने और आठवें भाव के स्वामी शुक्रदेव बने, जो कि इस लग्न कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं। जहाँ बैठना, जहाँ देखना, जहाँ जाना, उस घर का नुकसान करते चले जाना, ये शुक्र देवता की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी वो सदैव जातक के लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी होगी। केवल 6, 8, 12 में पड़ा होने से अगर विपरीत राज्यों की कंडीशन में आया तो अच्छा फल देने में शुक्राचार्य सक्षम होंगे, अन्यथा शुक्राचार्य सदा इस लगन वाले जातक को हमेशा अपनी दशा अंतरदशा में केंद्र या त्रिकोण में और किसी भी भाव में पड़े होंगे त्रिक के अलावा, तो सदैव प्रॉब्लम्स देते ही मिलेंगे। शुक्राचार्य, शुक्र देवता हमारी जितनी भी भोग योग वस्तुएँ हैं उनका कारक ग्रह माना जाता है। हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी, घर, बंगला, पंखा, टीवी, जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, यानी लग्जरी आइटम जिनको कहा जाता है, जिनसे जीवन यापन आसान होता है, जीवन यापन सुखमय बनता है, ये कंसिडर किया जाता है, तो ये सारा डिपार्टमेंट शुक्राचार्य का कारक माना जाता है। शुक्राचार्य इन सब चीज़ों के कारक माने जाते हैं। लेकिन इस लग्न कुंडली में अति मारक ग्रह बनते हैं क्योंकि वह अष्टमेश हैं और तृतीयेश हैं। इस लग्न वाले जातक को कभी भूल कर भी शुक्र देवता का रतन धारण नहीं करना चाहिए, चाहे वो विपरीत राज्यों की कंडीशन में आकर अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फलकारी होने में सक्षम ही क्यों न हो। दर्शकों, आगे बात करते हैं शनिदेव की। 12वें भाव के मालिक शनिदेव कुंडली में, शनिदेव 11वें भाव के मालिक हैं मीन लगन की कुंडली में और 12वें भाव के मालिक हैं। 11वां भाव लाभ का भाव, बड़े भाई बहन का भाव, हमारी इच्छा पूर्ति का भाव, 11वां भाव हमारे लाभ का भाव, इन सब चीज़ों का शनिदेव के पास डिपार्टमेंट आया और शनिदेव साथ में बने द्वादशेश यानी द्वादश भाव के स्वामी। फजूल का व्यय, फजूल की भागदौड़, विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट, पागलखाने की यात्रा, जेल यात्रा, इन सब चीज़ों का भाव 12वां भाव माना जाता है। तो दर्शकों, शनिदेव इस लग्न कुंडली में 11वें भाव के स्वामी बने और 12वें भाव के स्वामी बने, तो 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से और लग्नेश के एंटी पार्टी होने की वजह से, क्योंकि लग्नेश देव गुरु माने जाते हैं और शनिदेव दानवों में आते हैं, इसकी वजह से इस लग्न कुंडली में शनिदेव भी अति मारक ग्रह बन जाते हैं। जब भी शनिदेव की दशा अंतरदशा चलेगी, जातक को सदैव वो कष्ट ही देती मिलेगी। ऐसे जातक बहुत बड़ी गलती करते हैं, अगर विदेश सेटलमेंट करनी हो या धन का लाभ आगमन करना चाहें, धन लाभ का आगमन करने के लिए गलती से भी नीलम पहनने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि साथ में वो अस्पताल के खर्चे का भी मालिक है और आपके कर्म और आपके शरीर और आपके भाग्य का अति शत्रु भी है, ये बात सदैव याद रखिए। रतन धारण करने से पहले एक बात सदैव स्मरण रखिएगा कि अगर एक राशि गलत हो, दूसरी राशि भी गलत भाव का मालिक बने, तो कभी भी धारण नहीं की जाती, वो फिर एक मारक ग्रह बन जाती है और मारक रतन कभी धारण नहीं किए जाते। दर्शकों, छठे भाव का स्वामी सूर्यदेव इस लग्न कुंडली में बने, जो कि एक अति मारक ग्रह बने, अपनी दशांतरा में कष्ट देंगे। 8वें भाव के स्वामी शुक्राचार्य बने, जो कि अपनी दशा अंतरदशा में सदैव कष्ट देते मिलेंगे। और 12वें भाव के स्वामी शनिदेव बने, जो कि अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको फजूल के व्यय बढ़ा करके, आपको आपकी इच्छा के पीछे भागने पर मजबूर करके बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियां ही देते मिलेंगे। दर्शकों, एक मीन लगन की कुंडली ऐसी है जिसमें त्रिक भावों के तीनों ग्रहों को सदैव मार्कित्व में माना जाता है और उनकी दशा अंतरदशाएँ विपरीत राज्यों के अलावा सदैव आपको कष्ट ही देती मिलती हैं।
प्रिय दर्शकों, आप में से किसी भी जातक का ये एपिसोड देखने से रह जाए तो कृपया यूट्यूब पर जाकर हमारा डेली का एपिसोड वॉच कर सकता है। हमारी कोशिश रहती है कि डेली का एपिसोड अपलोड कर दिया जाए ताकि आप सब उसे देखकर अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकें और लाभान्वित हो सकें। और प्रिय दर्शकों, पहली दूसरी बार आपको बात कुछ ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपका कौन सा ग्रह आपको प्रॉब्लम दे रहा है, किसकी वजह से आपके जीवन यापन में दिक्कत परेशानियां आ रही हैं और सबसे बड़ी बात, उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको क्या देना है। क्या उससे जुड़ा हुआ पाठ पूजन करना है, या उससे जुड़ा हुआ रतन पहनना है, या उससे जुड़े हुए रिश्तों को सुधारना है, या उससे जुड़ा हुआ रंग परहेज करना है। इन सब चीज़ों का निर्णय आपको स्वयं अगर करना ना आ पाए पहली दूसरी बार तो किसी विद्वान की मदद से ये जानिए ताकि ये विद्या आपको सही दिशा देने में मददगार सिद्ध हो। ये विद्या बहुत अच्छी है प्रिय दर्शकों, ये विद्या हमारा जीवन जीने लायक बनाती है, लेकिन बात सिर्फ हमारी समझ की आती है कि हम उसे कितना समझते हैं और किस तरीके से उसका हल करने की कोशिश करते हैं। मैं पहले भी इसके बारे में आपको जानकारी देता आया हूँ, किसी भी उपाय को करने के लिए कभी भी फाइनेंस की अड़चन आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए। पैसे का उपाय से कोई लेना देना नहीं है। हमें ये गलतफहमी होती है कि अगर हमने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए तो शायद हमारा उपाय ही नहीं होगा। ये गलत धारणा आप दिमाग से निकाल दीजिए। कम से कम बहुत सारे लोग जब मिलने आते हैं, अलग अलग सवाल लेकर के आते हैं तो पूछते हैं कि सर हमें कुंडली कब दिखानी चाहिए। एक बात सदा के लिए प्रिय दर्शकों याद रखिएगा, क्योंकि इतने सारे लोग मिलने आते हैं, वो सारी की सारी पत्रियाँ इकट्ठी उठा लाते हैं, 8-8, 10-10 पत्रियाँ पूरी फैमिलीज़ की इकट्ठी ले आते हैं, तो हमारे पास भी समय का अभाव होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, हर पत्री को नहीं दे पाते। तो आपसे ये निवेदन करूँगा, जिंदगी में आपके परिवार में जिस भी जातक जातिका का जन्मदिन आए उससे 2-4 दिन पहले जब भी आपको समय मिले, आप अपना समय निकाल करके वर्ष में एक बार अपनी जन्म पत्री अवश्य दिखाएं ताकि आपको पता चले कि ये वर्ष आपका कैसा जाने वाला है, कौन से उपाय, कौन से रंग परहेज, कौन सी चीज़ों को अडॉप्ट करके आप अपने आने वाले जीवन को सुखमय बना सकते हैं। क्योंकि हमारी जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फिर हम पत्री लेकर के भागते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी होती है कि उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज करना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको इस तरीके से ज्ञान का चक्षु आपका खोला जाए कि जब प्रॉब्लम आए उससे पहले ही उसकी तैयारी कर ली जाए। बरसात आनी है तो बरसात से पहले उसकी तैयारी कर ली जाए, जब बारिश होनी शुरू हो जाए फिर आप छत पर जाकर कुछ नहीं कर सकते, इस बात का सदैव ध्यान रखिए। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। जय श्री कृष्णा। मैं अनीता नरूला एस्ट्रो ज्ञान गंगा रिसर्च ग्रुप से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ राजेश जोशी जो हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने हमें ये सिखाया है कि अगर कोई जातक आपके पास कुंडली लेकर किसी भी तरह की परेशानी लेकर आपके पास आता है, चाहे वो परेशानी राहु केतु की वजह से हो, चाहे वो परेशानी काल सर्प दोष की वजह से हो, चाहे वो मंगली दोष की हो, उसको छोटे से छोटे उपाय बताकर और कम से कम पैसों में उपाय बताकर उसकी लाइफ को कैसे सुखमय बनाना है। Thank you.